हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं आपको कि गाउन कैसे बनाई जाती है। तो इसके लिए हमने ये कपड़ा ले रखा है, ये कपड़ा 3 मीटर है, इसमें हम बनाने वाले हैं गाउन। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। गाउन का ऊपर का पार्ट हमने काट के रख लिया, इसका हम नाप दिखा दे रहे हैं। तो चलिए इसका नाप देख लेते हैं। इसकी लंबाई हमने रखी है 15 इंची और चौड़ाई रखी है 10, जिसका दोगुना हो जाएगा 20 हो जाएगा जिसका दोगुना। उसके बाद हम नापेंगे आगे का गला। आगे का गला देखिए हमने रखा है 6 इंची का। आगे के गले की लंबाई हमने रखी है 6 इंची। इसी तरीके से फ्रेंड आपको 6 इंची काट लेना। उसके बाद हम देख लेते हैं पीछे का गला। तो पीछे के गले की लंबाई हमने रखी है 11.5 इंची, जिसमें 1/2 इंच ऊपर मार्जिन में चला जाएगा, उसके बाद बचेगा 11 इंची। गाउन के लिए हमने मटका गला बनाया है और ये देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा गाउन पर। तो इसकी भी कटिंग बता दे रहे हैं। यहाँ पर हमने फ्रंट पे रखा है 3 इंची, उसके बाद आपको 3 इंची काट लेना। उसके बाद यहाँ पर रखा है हमने 7 इंची, 7 इंची और प्लस 3। उसके बाद आगे की कटिंग है, यहाँ पर हमारा फ्रंट पे जो नाप के हिसाब से आएगा वो 8 इंची यानी 32 इंची का है। तो यहाँ 8 पर हम निशान लगा लेंगे। 2.5 इंची इधर मार्जिन छोड़ रखा है हमने। अब हम लगाएंगे कमर का निशान। कमर पर हमारा है 16 इंची, इसके लिए हम 8 इंची लगा लेंगे। 8 इंची लगाने के बाद देखिए क्या होता है। चलिए 8 इंची लगा लेते हैं। इसी तरीके से आपको भी निशान मिला लेना है। अब हमें 1/2 इंची यहाँ पर निशान लगाना है और इस तरीके से मिला लेना है। तो आपको इसी तरीके से ऊपर का फ्रंट तैयार कर लेना है। अब हम इसकी बनाएंगे कली। तो चलिए इसे हटा देते हैं। फ्रेंड आपको इसी तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है कपड़ा। उसके बाद ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना जो, उसको हम लाएंगे फिनिशिंग। तो इसे हटा देते हैं। इसी तरीके से आपको ऐसे ही कपड़ा बिछा लेना। उसके बाद हम अब निकालेंगे इसकी कली। इसकी कली की चौड़ाई हमने रखी है 15 इंची, तो 15 इंची पर हम निशान लगा लेंगे। कमर का नाप हमने रखा है 16 इंची, 16 इंची को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो 4-4 इंची हो जाएंगे। उसके बाद हम उसमें 4 कली आगे रखेंगे, 4 कली पीछे, यानी हम 8 कलियाँ रखेंगे, जिसके लिए हम 1/2 इंच दोनों तरफ को दबाने के लिए रखेंगे एक कली में। तो एक कली की लेंथ हो जाएगी 5 इंची। तो 5 इंची हम लगा ले रहे हैं निशान। तो चलिए 5 इंची पर निशान लगाएंगे। और इस गाउन की हमने लेंथ रखी है यहाँ से वहाँ तक की, यहाँ से लेकर वहाँ तक की लेंथ है हमारी 39, क्योंकि 39 में ही हमें लगाना घेरा। इसी तरीके से आपको भी ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद करेंगे कटिंग। इसे काट के अलग करते हैं। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड, इस कली को उठाकर उस पर पलट के रखना है। इस तरीके से आपको भी बिछा लेना है। इसे उस कली पर सेट करेंगे। सेट करने के बाद अब हम इसकी भी करेंगे कटिंग। तो चलिए कटिंग करते हैं। इसके ऊपर वाले पार्ट को, दो हिस्सों को हम उठा के अलग रख देंगे। उसके बाद हम जो बाकी के बचे हैं उनको भी इसी तरह रख के और सारे पार्ट को हम काट लेंगे। तो चलिए काट लेते हैं इसे भी। फ्रेंड आपको भी इसी तरीके से काटना है अलग अलग, ताकि हर एक कली एकदम फिनिशिंग के साथ बढ़िया से सेट हो जाए। ऐसा काटने से फ़ायदा ये होता है
कि कपड़ा हमारा ख़राब नहीं होता है, सारा कपड़ा इस्तेमाल में आ जाता है। तो फ्रेंड, सारी कली हमें इकट्ठी कर लेनी है और उसके बाद हमें करना है क्या। एंड तो फ्रेंड, हमने 8 कली बना कर रख ली हैं। अब हम इन कलियों को रख देंगे, उसके बाद हम बनाएंगे बाकी के कपड़े से बाजू। बाजू बनाने के लिए हमने ये बाकी का बचा हुआ कपड़ा ले रखा है, इसे हम 4 फोल्ड में तय करेंगे। इसके बाद हम देखिए क्या करते हैं, इसे अपनी तरफ पलट के रख लेते हैं। तो फ्रेंड, हमें बाजू की लंबाई रखनी है 11 इंची और उसमें प्लस करना है 5, यानी कि हमारी मोटाई है वो 10 इंची है, उसका हाफ हो जाएगा 5 इंची। हम 5 इंची पे निशान लगा लेते हैं। तो निशान हमने पहले लगा रखा है, उसमें मार्जिन रखना है 1.5 इंची का। ऊपर की साइड हमें 9 इंची पर निशान लगा लेना है और इसे इसी तरीके से ड्रॉ करना है। अब हम फ्रेंड इसे काट देंगे। इस तरफ हम फ्रेंड लगाएंगे 3 इंची पर निशान। 3 इंची पर निशान लगाने के बाद इसे यहाँ पर राउंड राउंड ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद इसकी करें कटिंग। इसे काट के हटा देंगे। अब हमारी बाजू बनकर हो गई है तैयार। गाउन की कटिंग हमारी हो गई है फिनिश। अब हम इसकी सिलाई देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब आया आपका काम। अब आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन।